सो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का कम से कम एक तो ये तो फायदा है ना, एटलीस्ट इंडिया ग्लोबल लेवल पर गया है एक इनिशिएटिव को लेकर के। ठीक है, वो डिफरेंट थिंग है कि इसराइल हमास की वॉर की वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा उस प्रोजेक्ट के ऊपर एंड थोड़े से ब्लॉकेडिंग हुई है। बट अगर आप सेम लेवल पर देखो तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहां पर भी आप देखो, वहां पर भी रुकावटें हैं बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो डेट ट्रैप में फंस गई, बर्बाद हो गई बहुत सारी कंट्रीज, और कुछ नहीं भी हुई, कुछ अच्छा कर भी रही हैं, वहां पर काम चल भी रहा है। बट अगर आप कंपैरिजन देखो तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पहला समिट हुआ था वहां पर ज्यादा लोग आए थे, ज्यादा लीडर्स वहां पहुंचे थे। बट अभी जो रिसेंट समिट है आप सर्च करना उसके बारे में और वहां देखना कौन कौन आया था तो आपको पता चल जाएगा। तो एवरी प्लान हैज इट्स ऑब्स्टेकल्स, वो होता रहता है, मतलब दिस गोज इन पॉलिटिक्स, बाहर आप नहीं कर सकते। अब जैसे डीपीआई इनिशिएटिव देखो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है पूरा इंडिया ने वो ग्लोबल लेवल पर बनाया है, तो नाउ अब नेशनल